चुनाव आयोग इस तरफ ध्यान दे कि किसी भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन न करे। हमारा वोट लेके वो दूसरी पार्टी में कैसे जा सकता है, इस पे तो सजा होनी चाहिए नेताओं। बीजेपी में कुछ लोग सही है तो कुछ खराब भी है, कांग्रेस में भी कुछ सही है कुछ खराब है। परिवर्तन तो कुछ नहीं होगा, भक्तगण जो है वो तो बीजेपी को ही जाएंगे। मेरे को मतलब ही नहीं है ना इन लोगों से, किसका किसकी तरफ बोलोगे। और उनको ये भी नहीं दिख रहा है कि महंगाई कहाँ पहुँच रही है, नौकरियां मिल नहीं रही है, बेरोजगारी चल रही है, ये भक्तगणों का नहीं दिख रहा है। टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए अगर हमें भारत को आर्थिक विकास पर ले जाना है। तो बेरोजगारी का मुद्दा जो है आज की तारीख में सबसे बड़ा भारत को सुरक्षा की दृष्टि से, हर दृष्टि से अगर संपन्न बनाना है। लगता है कि बीजेपी में कांग्रेस चली गई, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हो गई। तो हम आप चाह रहे हैं, पब्लिक चाह रही है, देश का विकास चाह रही है, उन्नति चाह रही है, वो पूरी तरह कारगर नहीं होगी। और हम आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। भोपाल लोकसभा सीट 2024 लोकसभा चुनाव के उपलक्ष्य में आज हम आम मतदाता और जनता की राय जानने के लिए आज भोपाल के हृदय क्षेत्र न्यू मार्केट में उपस्थित हैं। आज यहां पर हम एक आम मतदाता से, एक आम व्यक्ति से जो आने वाली सरकार और अपने प्रतिनिधियों से क्या उम्मीद रखता है ये जानने के लिए रूबरू होंगे। लोगों से उनसे पूछेंगे उनके मत के बारे में, उनकी राय जानेंगे कि वो क्या चाहते हैं अपने होने वाले सांसद से, अपने प्रतिनिधि से उनकी क्या राय है इस विषय में, आइए जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार श्रीमान। सर लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, क्या लग रहा है आपको भोपाल में अब की बार, क्या परिवर्तन की लहर दिख रही है आपको? परिवर्तन तो कुछ नहीं होगा, भक्तगण जो है वो तो बीजेपी को ही जाएंगे। और उनको ये भी नहीं दिख रहा है कि महंगाई कहाँ पहुँच रही है, नौकरियां मिल नहीं रही है, बेरोजगारी चल रही है, ये भक्तगणों का नहीं दिख रहा। भक्त तो ऐसे ही होते। तो बेरोजगारी का मुद्दा जो है आज की तारीख में सबसे बड़ा है, लेकिन वो बेरोजगारी का मुद्दा किसी को नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भगवान ही करेंगे और बेरोजगारी भी वही दूर करेंगे। लोगों को इस तरह का लग रहा है जबकि ये सोच लोगों की गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं मतदाता, जैसे आप कह रहे हैं, मतदाता का रुझान तो एक ही तरफ है, क्योंकि वो बताया ना अंधभक्त, अंधभक्तों का कुछ नहीं हो सकता, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। रोजगार कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, बच्चों का आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, पढ़े लिखे बच्चे जो हैं उनकी उम्रें निकली जा रही है। लेकिन वो इसकी चिंता ना नेताओं को है जो देश को चला रहे हैं, और ना इसकी चिंता किसी वोटर्स को है। ऐसा लग रहा है कि वोटर्स भी अंधा हो गया है। लेकिन विपक्ष का क्या आपको लगता है? आपको लगता है कि अगर सरकार बदलती है या कोई नई पार्टी इसको जो आती है, मान लीजिए सपोज कर रही है कि आम लहर के कारण हो सकता है कि चलिए आपके हिसाब से अगर सरकार बदल जाती है, तो क्या एक नई सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है, उसमें कुछ वादे ऐसा कर रहे हैं? नहीं, अभी नई सरकार तो कोई सी दिखती नहीं है, क्योंकि किसी भी विपक्ष में कोई बचा नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी में कांग्रेस चली गई, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हो गई है। अब स्थिति ऐसी नहीं बची है कि ये बीजेपी है समझ में नहीं आता, ये कांग्रेस समझ में नहीं आता। दल बदल चल रहा है, आपको उसके कारण ऐसा लग रहा है? दल बदल तो जो लोग करते हैं कि बहुत बुरी बात है। हम अगर किसी को वोट दे रहे हैं तो हम ये सोच के वोट दे रहे हैं कि ये आदमी हमारा भला करेगा, लेकिन वो हमारे वोट लेके और दूसरी पार्टी में चला जाता है। इसके ऊपर तो कोई कानून बनना चाहिए और उस नेता को सजा होनी चाहिए जो दल बदलता है, क्योंकि वोट तो हमारा है ना। हमारा वोट लेके वो दूसरी पार्टी में कैसे जा सकता है, इस पे तो सजा होनी चाहिए नेताओं। जिस प्रतिनिधि को हम वोट दे रहे हैं, जिस दल के नाते वोट दे रहे हैं, अगर वो समय पर आने वाले टाइम में अपना मत बदल देता है, पार्टी बदल देता है, तो हमारा उसको वोट देना निरर्थक साबित हो जाता है। इस विषय में हम आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या राय है? यदि कोई पार्टी नेता अपना दल बदल लेता है और चुनाव से पूर्व अगर यदि हम उसको विपक्ष में वोट दे रहे हैं अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए, और उसका बाद में वो सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो जाता है, तो हमारे इस वोट का क्या अर्थ रह जाता है? नहीं, वोट का तो अर्थ तब रहता है जब आप पार्टी सिलेक्ट करो, आप पार्टी जो आपने चुनी है। मान लीजिए आप कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो कांग्रेस ने अभी तक क्या किया है ये सोच समझ कर वोट देगा। व्यक्ति अगर वोट दे रहा है ना, तो उसको कांग्रेस का पता है उसके बारे में कि मुझे कांग्रेस को ही वोट देना है। लेकिन चुनाव के बाद यदि वो नेता अपना दल बदल लेता है, जैसे भाई साहब ने अभी हमें बताया, आपकी क्या राय है? क्या ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि चुनाव प्रतिनिधि यदि चुनाव के बाद अगर अपना दल बदलता है तो क्या उसकी चुनाव मान्यता रद्द करनी चाहिए? नहीं, मैं नहीं मानता ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो नेता जिस पार्टी में है अभी, उस पार्टी में उसको लग रहा है कि मुझे मान सम्मान नहीं मिल रहा है या मैं जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए वो दल बदल लेता है।
लेकिन जो मुद्दे वो चुनाव से पूर्व उठाते हैं आज वो बाद में वो मुद्दे गौण हो जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मुद्दे जो लेकर वो चल रहे हैं, जैसे अगर किसी एक पार्टी, मान लीजिए आप कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस का कोई नेता अगर बीजेपी में आता है तो कहीं ना कहीं उसे पार्टी से ना तो कोई मान सम्मान मिल रहा होगा, ना ही वो जनता के लिए कुछ कर पा रहा होगा, कि वो पार्टी से उस तरह की उम्मीद कर रहा है कि पार्टी मेरा इस तरीके से समर्थन करे कि मैं ग्राउंड पर जाकर काम कर सकूं पब्लिक के लिए, और वो नहीं कर पा रहा है वो व्यक्ति। क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है भाई साहब आपको, अगर पार्टी अपना दल बदल लेता है कुछ लेता नहीं, लेकिन आम भी, आप भी मतदाता हैं, आपका जीवन, आपकी जीवन शैली को भी, आपका एक बिना आप वोट नहीं डालेंगे तो आपका जीवन भी उससे प्रभावित होता है। होता है, बट मेरे को मतलब ही नहीं है ना इन लोगों से, किसका किसकी तरफ बोलोगे अभी, किसी को, आप स्वतंत्र हैं, पढ़े लिखे हैं, आप स्वतंत्र हैं, पांच सौ भी ऐसे होते, बीजेपी में कुछ लोग सही है तो कुछ खराब भी है, कांग्रेस में भी कुछ सही है कुछ खराब है, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। अच्छा वर्तमान में जो मोदी सरकार है आप उससे कितने संतुष्ट हैं? पूरा सेटिस्फेक्शन है, पूरा सेटिस्फेक्शन। आपको लगता है सरकार जो भी वायदे कर रही थी वो पूरे करें? वायदे में इतना नहीं देखता, बट चीज़ कुछ लगे कि हाँ है, जो देश के लिए जो किया है, इंडियन आर्मी के लिए जो किया है, जो चीज़ें हैं वो अच्छा है, बाकी ठीक है। चलिए धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा, सर आपको क्या लगता है कि यदि कोई नेता चुनाव से पूर्व किसी दल को हमारे चुनाव सिलेक्ट होने के बाद चेंज कर लेता है तो आपको क्या लगता है कि वो सही है कि गलत? देखिए जैसा विश्व के अनेक देशों में चुनाव होते हैं तो वहाँ दो पार्टी सिस्टम है, विधानसभा स्तर पर चाहे अनेकों पार्टियां हो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन केंद्र स्तर पर मात्र दो पार्टियां होना चाहिए, इससे जो दल बदल हो रहा है और जो नीतिगत परिणाम है, कोई भी पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करके और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उससे जनता का जो वोट है और हमारा वोट है खराब होता है। इस प्रकार से टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए अगर हमें भारत को आर्थिक विकास पर ले जाना है, भारत को मजबूत बनाना है, भारत को सुरक्षा की दृष्टि से, हर दृष्टि से अगर संपन्न बनाना है तो टू पार्टी सिस्टम होना चाहिए, ताकि क्योंकि भाई पूरे विश्व में भारत का इस समय डंका बज रहा है, तो हम चाहते हैं कि भारत और आगे आए और चुनाव आयोग इस तरफ ध्यान दे कि किसी भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन न करे, निर्वाचन आयोग को नियम कानूनों में और बदलाव करने का प्रयास करना। आपको क्या लगता है यदि कोई नेता चुनाव के बाद अपना दल बदल लेता है तो उसका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाना चाहिए? इस संबंध में जब तक निर्वाचन आयोग नियम कानून नहीं बनाता संसद के माध्यम से, तब तक इसमें कुछ भी हम आपके कहने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक संविधान में संशोधन नहीं होगा इस तरह का, तब तक हम जो हम आप चाह रहे हैं, पब्लिक चाह रही है, देश का विकास चाह रही है, उन्नति चाह रही है, वो पूरी तरह कारगर नहीं होगी और हम कानूनों के और कोर्ट कचहरी के चक्कर में घूमते रहेंगे। जिस तरह से जैसे अभी वर्तमान में कुछ सांसदों ने जो आज चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व में विधानसभा के चुनाव से निर्वाचित हो चुके हैं, उनकी सीट रिक्त करने से एक आम मतदाता का, एक आम टैक्स पेयर का पैसा भी वेस्ट होता है, उस सीट को खाली करने से पुनः उस जगह सीट चुनाव कराया जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये देश में पैसे की बर्बादी है और समय की और हमारे वोट की बर्बादी? नहीं, चूंकि संविधान में नियम कानून और प्रावधान है इसलिए हम उसको अपने स्तर से दूर नहीं कर सकते। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि निर्वाचन आयोग को संसद के माध्यम से इस तरह के कानून बनाने चाहिए ताकि जनता का पैसा, जनता का समय, जनता की ऊर्जा और देश का आर्थिक विकास हो सके। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद।